मैं आज आपके बीच में एक मूल पुरुष के रूप के बारे में बोलने के लिए चाहती हूं। और परमेश्वर अपने अपने अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरा करने के लिए को ढूंढ के बहुत ही बड़े लोगों को, बड़े समूह को नहीं ढूंढा, एक व्यक्ति को ढूंढता। ढूंढने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा काम करता है, वो मूल पिता बनता। पढ़ेंगे यशाया, यशाया 51 उसका दूसरा पद, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माँ का सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। लिखा था मूल पुरुष, भैया मूल पुरुष इसका अर्थ क्या है? मूल पुरुष जब जो कारण बन के, जो कारण बनने के लिए, बड़ा होने के लिए आधार के रूप में जो होता है उसको मूल पुरुष के रूप में बोला जाता। यहाँ अब्राहम को कहा गया मूल पुरुष, और पत्नी को ये भी लिखा अपनी माता लिख दिए, तो उनका स्टेटस अलग है, उनका स्थान अलग है, उनकी हैसियत अलग है। अब उसको देखते हैं तो परमेश्वर किस रीति से अब्राहम के जीवन में काम करके मूल पुरुष या पिता बनाया, उसको मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहती हूँ। मैं तो सो देखती हूँ, सबको देखने से लगता सब इन आप तो आए हैं, जरूर कुछ मसीह परिवार से नहीं है, सब मसीह को अपना के सब हमारा मूल देखेंगे वो दूसरा मूल है। लेकिन परमेश्वर आपको सच्चाई को पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं देख रही हूँ पहले क्या थे, मूर्ति पूजक थे, लेकिन अभी यीशु को मान रहे, धर्म नहीं मान रहे, अभी यीशु को मान रहे। हालेलुया, यीशु को अपना है। अभी ये मूल पुरुष भी पहले ऐसे ही था, वो मूर्ति पूजक था। लोग कहते हैं वो उसका पिता मूर्तियों को बनाने वाला था, इनको बहुत गजब दिख रहा था, ये मूर्तियों को बना रहा है, वो टूट जाता है, उसको झाड़ देना पड़ता है, कैसा परमेश्वर है जिसको हमको साफ करना पड़ता है, ऐसा उसने सोचा था, लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ इसलिए मैं उस मूल पुरुष कुल पिता बोलते हैं, पिता का अर्थ यहाँ ये नहीं है, अधिकार जताने वाले का अर्थ यहाँ नहीं है, और मूल पुरुष कहने का अर्थ यह है उस जगह में वो सबको एक नए आंदोलन में ले चलने वाला। हालेलुया, सही कहा जाए। हम अभी खोलेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय खोलेंगे। आज पहले थोड़ा सा हम उसके पहले भुलावट के बारे में मैं बोलने के लिए चाहती हूँ। परमेश्वर भुलाया बाइबल में जरूर, यहाँ उत्पत्ति का 11 अध्याय में कुछ बातें जरूर लिखी गई है। मैं उसका कुल के बारे में पहले पढ़ने के लिए चाहती, 11:27 पर वहां तो लिखा है 13 की वंशावली यह है, 13 से अब्राम, नहोर और हारान का जन्म हुआ। तो मैं देखती उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता को 3 बेटे थे, 3 बेटों में यह पहला लड़का जेठ है। मैं तो मेरे घर में हम लोग 5 लड़कियां हैं, मैं सबसे जेठ, समझ नहीं आ रही कोई, सबसे बड़ी मैं, तो मैं समझ गई अब्राहम भी ये जेठ था।
घर में हम ऐसा ऐसा नहीं पढ़ते, मैं पढ़ती हूँ कभी कभी बीच बीच में सब उल्टा पुल्टा सब सीधा तिरछा सब देखती हूँ। घर में पहला लड़का है, पता नहीं पहला लड़का को परमेश्वर विशेष रूप से चुन लिया, विशेष रूप से चुन लिया। आप अगर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ेंगे, वहां तो लिखा है जब वो आराम में रहने के पहले ही जब वो मुसोपोतामियों में था उस समय परमेश्वर तेजो में परमेश्वर लिखा सातवां अध्याय। हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा। लेकिन उत्पत्ति में ये ऐसा नहीं साफ साफ लिखा ना, परमेश्वर पहले दर्शन दिया इसीलिए वो वहां से निकल के आया। तो यहाँ 11 अध्याय में पढ़ते समय वहां लिखा है बस 11:28-29 में देखते समय वे 28 में ये लिखा है वो अपने सब वहां से निकल कर वो कसदियों के ऊर नामक नगर से जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया, उसके बाद ये लोग सब निकल के आए, ये लोग निकल के आए। वो 31-32 सब में लिखा है वो पहुंचकर वही रह गया, हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। परमेश्वर अब्राम को दर्शन दिया, वो उसका पूरा परिवार को वहां से निकालने का काम किया। हालेलुया। मैं इसको पढ़ते समय मैं सोचती हूँ, मैं इसको पढ़ते समय परमेश्वर मुझसे ये एक चीज बता, सुनो मैं किसी को भी बुलाऊंगा ना झूठ मूठ कर ऐसा दो इडली दे दूंगा पैकेट में 1,000 रुपया दे दूंगा बोल के किसी को बुलाता नहीं। हालेलुया। बुला के आधा रास्ता में जा ऐसा भी बोलने वाला परमेश्वर मैं नहीं हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बुलाने के टाइम में उसका मन में बहुत ही बड़ी योजना रख के बुलाता। हालेलुया। उसका दिमाग बहुत बड़ी बातों को सोचता। तो यहाँ मैं इसलिए मेरे बाइबल में भी उसने लिखा है परमेश्वर, मेरे रेफरेंस बाइबल में लिखा परमेश्वर जब कभी किसी को बुलाता है ये एक स्पष्ट दर्शन और विशाल दर्शन और अनंत काल का कार्य को रखकर ही वो बुलाता है, झूठ मूठ का नहीं बोलता है। हम लोग जो है ना मेरा और आपका दिमाग बहुत सीमित हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग तो सीमित हो गया क्योंकि परमेश्वर आदम को बनाते समय बहुत बड़ा सोच करे दिमाग उमाग सब रख करे बनाया था, लेकिन पाप में गिरने के बाद धीरे 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 इतना हो गया यीशु मसीह चाहिए कार चाहिए तो ठीक हो जाए। बस इसी के लिए परमेश्वर केवल नहीं है। हालेलुया। मेरा दिमाग इतना सोचने लगता मेरा घुटना का दर्द ठीक हो जाए तो अभी यीशु मसीह ठीक है। परमेश्वर उस प्रकार की इतनी छोटी सी यतीशु की चीज के लिए किसी को न बुलाता है न उसके लिए अपनाता है, लेकिन उसका विचार बहुत विशाल। हालेलुया। मुझे इसको सुनकर अभी आजकल परमेश्वर कभी कभी ऐसे ऐसे लिखा है ना, सुनो मैं तुमको इतना साल लेके आया अभी जाओ बोल दूंगा, मैं तो अपना कमाई नहीं बोलूंगा, मैं बिहार जाके 46 साल खत्म हो गया। मैं चेन्नई से गई बिहार, जाते समय पहना हुआ कपड़ा एक बाइबल थी हाथ में, पैर में चप्पल नहीं, कान हाथ में जितना गहना था सब उतार के रख के गई। ठीक, मेरे बाप ने कह दिया घर से चुटकी भर कर मिट्टी तक नहीं दूर तक लेके नहीं जाएगी। तो परमेश्वर तो बहुत ही बड़ा है ना, तो वो क्या किया ना घर से निकलते ही कहीं कहीं से कुछ कुछ देकर मुझे बिहार पहुंचा दिया। हालेलुया। जब जनवरी माह में पहुंची पैर नंगा पैर पहुंची बिहार, इतनी बर्फीली ठंड थी पैर रख के चलना नहीं पड़ता था,
लोग देखते थे अरे ये छप्पन की ना चल रही है तो क्या करेंगे, लेकिन परमेश्वर सब चीज किया। इसलिए मुझे मालूम है परमेश्वर बोला उसी दिन मैं तुमको पकड़ा रोड पर छोड़ दिया, 46 साल खाना खाई, कितना किलो आटा कितना किलो चावल कितना किलो प्याज कितना किलो चीनी तुमने कुछ ब्योरा ली नहीं। परमेश्वर उतना करके अभी आधा रास्ता में जया मर जाओ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम लोगों का दिमाग जो ना बहुत छोटा सोचता है इसलिए मैं बोल रही हूँ परमेश्वर जब कभी किसी को चुनता है उसका विशाल बहुत ही विशाल है बहुत ही बड़ा है। मैं इसके लिए एक और वचन भी पढ़ने के लिए चाहूंगी आप व्यवस्था विवरण उसका सातवां अध्याय व्यवस्था विवरण 7:6 में वो परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझे को चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज दल ठहरे। वो बोलता है कि ये मेरा है तुम मेरे हो। आप देख लीजिए बच्चों में ही देख लीजिए बच्चे लोग गुड्डा गुड़िया रख के खेलते हैं खेलते हैं कभी कभी गुड्डा गुड़िया ऐसे ही पड़ा रहेगा हाथ में टूटा हुआ रहेगा लेकिन दूसरा किसी बच्चा आकर उसको छू लेगा तो रंग बनेगा क्या बनेगा मेरा है तेरा नहीं है मत छूओ छूने नहीं देकर। तो मैं उस प्रकार का एक अपनापन को परमेश्वर में देखती हूँ। परमेश्वर इस अब्राहम को सोचा इसको मैं अपना करके ले लू अपना करके लेने के लिए क्यों लेने के लिए जागा इसी के द्वारा मैं बड़ा काम करूं। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर आपके परिवार में अगर इस प्रकार सच्चाई को पहचान के यीशु को अपनाने के लिए रखा है तो रोटी खाने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया है। हालेलुया। उसके अंदर बहुत ही विशाल दर्शन आपके प्रति परमेश्वर के दिमाग में बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ इसमें देखिए उसके योजना बहुत बड़ी क्यों बोल रही हूँ मालूम है उसका विशाल बहुत बड़ी होने का कारण क्या है। सबसे पहले वो आदम वाटिका में एक विशाल विचार रखा था। आपको मालूम होगा इस वचन को आप पढ़े होंगे बहुत बार मैं भी पढ़ के सुनाने के लिए चाहती हूँ। उत्पत्ति 1:28 और परमेश्वर ने उसको उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर दो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God wanted man to rule the earth. Hallelujah. Hallelujah. पूरे संसार पर परमेश्वर का विचार था मनुष्य अपना अधिकार रखे। Hallelujah. Hallelujah. इसको समझने के लिए मैं और बोलने के लिए चाहती हूँ। मान लीजिए ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका स्टेट है राज्य, यहाँ तमिलनाडु का आदमी आ गए उठो उधर जाओ इधर आप बोल सकते हैं वहां का सरकार तमिलनाडु का सरकार यहाँ के आदेश चला सकते हैं नहीं। यहाँ का आदमी के ऊपर वहां अधिकार नहीं है। आप लोग यहाँ का आदमी वहां जाकर भी अधिकार सीमा बांध कर वहां तक तुम रहो उससे यहाँ आने से हमारी बात माननी होगी। इसी प्रकार परमेश्वर का विचार था
इस धरती पर मैं मनुष्य को बनाऊंगा मेरे समानता में, मेरे बराबरी में बना के उसको रख के इस पृथ्वी पर अधिकार रखना, रूलिंग करना, राज करना। हालेलुया, बहुत ही बड़ा विशाल ये। लेकिन शैतान को बहुत तकलीफ हुआ, क्यों मालूम है? उसको तो स्वर्ग से गिरा दिया, ठीक है। हालेलुया, उसको आदमों में रहने का स्थान बना के अलग रखा, वो नीचे के स्थान हो गए। लेकिन धरती पर अधिकार रखते समय उसका सिर पर कुचलेगा आदमी, इसलिए उसको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया इसलिए उसका टांग खींचा, मनुष्य का टांग खींच दिया। तो मनुष्य क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं माना, किसकी बात माना? शैतान की बात माना। तो पृथ्वी पर परमेश्वर राज करने के लिए जब रखा, शैतान छीन लिया, तो परमेश्वर का विचार था मैं एक आदमी को चुन लूं, कम से कम एक आदमी, उसी से फिर इस पृथ्वी में पहले जो रखा था उसको फिर से लाऊं। हालेलुया, इसीलिए मैं यहाँ देखती हूँ। मैं इसको क्यों बोल रही हूँ मालूम है? जहां जहां मसीह हो गया वहां वहां वो आशीष उतरती है। हालेलुया, वहां शत्रु ज्यादा नाच नहीं सकता। लेकिन हम लोग जहां है वहां क्या है, कभी यीशु समाचार सुनाया नहीं दिया, लेकिन वहां मसीह के लिए, मसीह के बारे में बोल रहा है, वो नीचे सोचता है हम इनको यहाँ कैसे रखने थे, इनको रखने न, इनको नीचे गिरा, इनके बीच में पूछो ना कुछ ला हूं, मैं इनका हाथ से इसको छीन लू, इस जगह को मैं छीन लू, क्योंकि जहां उसके लोग रहते हैं यीशु का नाम का अधिकार उस जगह में बैठता है। हालेलुया, वो लड़ता है। उस समय परमेश्वर मुझे ये भी सिखा, तुम जहां है वहां मेरा नाम का अधिकार अभी तक बैठा पूरा नहीं ना है, तुम लोग आके बस रहे हो, आशीष मंदिर मेरा नाम का अधिकार उतरता है, उसको तकलीफ होती है, लेकिन याद रखो अदलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं। ओके, इसलिए आपको परमेश्वर अगर चुना है, एक बात याद रखिए, जहां आप है उस जगह में परमेश्वर आपके पास से भी अपना अधिकार को उस जगह में रखने का उसका विचार है। हालेलुया, साधारण एकदम केवल सिंगल के लिए यीशु मात्र उसके लिए नहीं, वो जरूरी है, लेकिन केवल उसके लिए ना ना। हालेलुया, इसलिए मैं इसलिए बोलती हूँ परमेश्वर आपको चुनने के लिए बहुत बड़ा विशाल कारण है, मकसद है, कुछ बड़ी योजना है। ये नहीं कि कुछ में छोटे छोटे करेंगे, ऐसे जिएंगे, जिंदा रहेंगे, कैसे कैसे नो जी कर स्वर्ग जाएंगे, उस बात के लिए नहीं। नहीं, परमेश्वर आपको, आप जहां है वहां शैतान का अधिकार को तोड़कर आपको उस जगह में परमेश्वर का अधिकार को लेके उस पर राज करने का, उस स्थान पर आप रहने के लिए वो आप सभी को चुना है। हालेलुया, मैं सोचती हूँ आप मेरी बात को समझ में आ रहा है, आप इसलिए आप अपने को कम ना समझिए, वो जरूर सोचेगा कैसा करूं, जिसको क्या करने से ये तुम अपना समस्या ही देखते रहेगा, यहाँ एक तकलीफ, वहाँ एक तकलीफ, वहाँ एक आदमी कुछ बोलता, तब हम कहते ए प्रभु वो ऐसा करता है, वो मुझको देख ली है, तो हम उसी में उलझे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे को राज करने के लिए जहाँ है वहाँ रखा है। हालेलुया, तो इसको बुलाते समय कैसा बुलाएं, मैं उसको देख दिखाने पड़ेंगे। अब उत्पत्ति 12 अध्याय बुलाते समय वो बोलता है, मैं पहला दूसरा पढ़ रही हूँ, पहले दूसरा पद देखेंगे उसके बाद पहला पद देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक और दो। कहा मैंने अब्राहम से कहा, अपने देश अपने कुटुंबिया
और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। इसको परमेश्वर किसके लिए बुलाया करके लाइन में है, पागले लिखा है मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ हिंदी में बड़ी जाति लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है अंग्रेजी में आई मेक यू अ ग्रेट नेशन लिखा। मुझे उसको पढ़ते समय दिल फूर है एकदम बड़ा ग्रेट नेशन, नेशन माने देश, यहाँ हिंदी में जाति लिखा है। तो देश जाति ये सब देखते समय मेरा कपारे उड़ रहा है। हालेलुया। हम ना ऐसा नहीं सोचते है ना, आप कौन है? हाँ मैं भी छोटा मोटा विश्वासी, छोटा भी है मोटा भी है विश्वासी है भैया। परमेश्वर आपको जो बुलाया है आपको एक बड़ी जाति छोटी जाति बनाने के लिए। हालेलुया। आप बड़ी जाति है। हालेलुया। तो आज से कभी भी रोना नहीं, मैं छोटा सा विश्वासी हूँ, हमको ये आदमी कम कर रहा है, वो बोल दिया है, वो हमको देख लिया, ये छुट्टी कर लिया, ये सब छोड़ दीजिएगा ना। हमने बच्चे की तरह कई बार रह जाते, जबकि परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए बहुत ही बड़ी बात, एकदम बहुत बड़ी जाति हो। हालेलुया। उसका उसको बुलाने का विचार क्या है, उसको बुलाए बुलाने के टाइम में बोला उनको बड़ी जाति ग्रेट नेशन। अंग्रेजी में तो पहले ग्रेट नेशन, उसके बाद नाम को भी महान बनाएंगे ग्रेट, और महान हो क्या, बहुत ग्रेट हो क्या, बहुत ही उछलते हो क्या, बोल दिए हो गए। हाँ भैया परमेश्वर बुलाते समय छोटा छोटा करके बुलाया नहीं है। हालेलुया। बड़ी जाति बनाऊंगा और उसके बाद बोला मैं तुमको आशीष दूंगा। उतना समय तक उसके जीवन में क्या नहीं थी, आशीष नहीं, आशीष देने के लिए बोल दिया ठीक है, इसमें आशीष देने के लिए बोलकर उसके ये बोल रहा है तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान कर। कोई भी अपना नाम खराब करने के लिए, खराब होने के लिए नहीं चाहेंगे, चाहते हैं क्या मेरा नाम बदनाम हो? नहीं। सब कोई सोचता मेरा नाम कैसा बाहर आएगा, कौन क्या नाम से आएगा, फलाना हुआ ठिकाना हुआ डॉक्टर फलाना ठिकाना महान नाम माना है। लेकिन परमेश्वर बोला तुम आओ ना, मैं तुम्हारा नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। हालेलुया। महान करने वाला परमेश्वर आपको भी बुलाया है। हाँ इतना नहीं, वहां लिखा है अदु आशीष का मूल होगा, हिंदी में आशीष का मूल बोल दिया, अंग्रेजी में तुम खुद आशीष बनकर रहेगा। हालेलुया। भैया मैं आशीष का मूल, अगर मैं रहूंगा तभी आशीष है, अगर मैं नहीं रहूंगी आशीष, बोलिए ना भाई डर लगता है, विश्वास से बोलिए तो परमेश्वर आपको आशीष के रूप में बदल दिया। मैं इसको क्यों बोल रही हूँ मालूम है, उदाहरण के रूप में आपके घर में खाना बनाते हैं, खाना बना के रखते हैं, अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, बढ़ रही है हाँ, आज चावल बनाइए ठीक है, चावल बना के अगर चम्मच से निकालते रहेंगे थोड़ा ज्यादा देर टिकेगा, दाल है उसी में हाथ डाल के निकाल के फिर रख दीजिए, क्या होगा जल्दी खराब होगा, क्यों मालूम है, हमारा हाथ में इतना श्राप है
नहीं, मैं तुमको आशीष के रूप में बनाने के लिए चाहता हूँ। जो व्यक्ति मसीह को ग्रहण करके उसी से प्रेम करके जिएगा वो इस धरती के लिए आशीष है, क्योंकि परमेश्वर का विचार था जो नीचे स्थानों में शैतान है ना उसके ऊपर बैठ के उसका अच्छा से बना दो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बहुत तकलीफ है, ये महिला को क्या क्या सिखा दिए। हाँ जी, परमेश्वर आपको बुलाने का कारण यही है। हालेलुया। और एक चीज मान देते हैं, तीसरा पद में जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, अब जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, अब भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। केवल मेरे लिए नहीं, अब मेरे द्वारा सबको आशीष मिलनी है। हालेलुया। अगर मुझे कोई बोल देगा श्रापित करने के लिए कुछ कर देगा तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। मुझे कोई कोसे मैंने गुस्सा करे या श्राप दे वो व्यक्ति अच्छा ना ना बाबा ना, जो मुझको आशीर्वाद देगा वही व्यक्ति अच्छा रहेगा। कितना सौभाग्य है मैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस प्रकार की एक जाति के रूप में वो क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। और इसको तो देखने लिया सब तुम्हारे चलते सारा भूमंडल। मैं इस जगह में एक चीज बोलूंगी, परमेश्वर का विचार था इस संसार में यीशु मसीह को भेजना है, उसके लिए ये अब्राहम का जीवन आशीष का कारण। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता मालूम है, उसको अच्छा से पता है, ये समझ लिया संसार में यीशु मसीह को जरूर भेजेगा, वो पहली संतान से ही उत्पन्न होगा। अच्छा, पहला बेटा से ही होगा। इसलिए वो पहली आदम के बेटा का पहला बेटा का नाम क्या, आदम का पहला बेटा का नाम कैन, कैन। दूसरा बेटा का नाम आबिल। वो सोचा ना, अगर कैन अच्छा से रहेगा उसके द्वारा यीशु मसीह आ जाएगा, तो इसीलिए उसके अंदर घुस गया। इसलिए पहला जमाना में पढ़ेंगे ना, लिखा रहता उसी में वो उस दुष्ट से था, मतलब कैन के अंदर वो घुस के क्या कर दिया, वो हथियारा बना दिया, जिसके वजह से वो सोचा कि खत्म कर दे यीशु मसीह को संसार में आने न दे। तो इसीलिए परमेश्वर सोचा ना, तुम ऐसा किया है तो मैं चुन रहा हूं कहा, एक कोने में किसी जगह में एक आदमी जो बाप का पहली संतान है वो अब्राहम को चुना। हालेलुया। तो सोचा कि अभी इसको कोशिश करके, इसको चुन कर इसी के द्वारा मैं काम करके कोशिश करूं। वो कई जगह में कोशिश करके ये वो देखा था, वो पूरा संसार में ढूंढ ढूंढ के देखा, उस समय एक नू मिला था, नू के द्वारा थोड़ा सा काम किया, उस समय भी वो सोचा तुम पृथ्वी भर में तुम भरो फिर सब चीज करें, और फिर देख रहा पृथ्वी एकदम ठीक नहीं दिख रही है, लोग एकदम फिर पाप में अभी उलझ रहे हैं, ठीक है अब क्या करें। तो उस जगह में कौन दिखाई दिया, अब्राहम दिखाई दिया। हालेलुया। इसलिए मैं उसको पहला बेटा करके लेके दिखाई, जब का पहला बेटा है ठीक है इसको पकड़े, लेकिन उसी में ऐसे ही बुला के तुम कैसे जीवो हम आशीष दे, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं पहले पहले आशीष का वचन नहीं बोलता, पहले पहले क्या बोलता है, पहला पद में लिखा है अब्राहम से कहा, अब्राहम का नाम का अर्थ यह है उन्नत पिता, इसका मतलब ऊंचा किया हुआ पिता, उसका उसका स्टेटस समाज में उसका स्थान सबसे थोड़ा सा
ऊंचा सा, उसका स्वभाव, उसका सारा व्यवहार सब ऊंच स्थान में रखने वाला को पकड़ा। हालेलुया। बुलाया तो बुलाने के ट्रे में क्या बोल रहा है, अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो इसका मतलब कुछ कुछ चीज को छोड़ने के लिए करता। पहली बात मैं देखी क्या चीज छोड़ना है, अपना देश। बात कर में पहले देश, देश मैंने मैं तो सोचती हूँ जरूर तो देश मैंने वो जहां था मुसबिया को छोड़कर आने के लिए कहा। मुसबिया जो है बहुत ही उपजाऊ जमीन, बहुत ही पानी का पानी वानी सब अच्छा से रहने वाला स्थान है, नदी बहने वाला स्थान है। लेकिन परमेश्वर बोला उसमें से क्या करो, निकलो। अच्छा उसमें से निकलो बोला, देश को छोड़ना। भैया आजकल लोग अपना देश छोड़ते हैं, किसके लिए जाते हैं फिर पूछते हैं तो पोषने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पेट पोषने के लिए देश छोड़ने के लिए नहीं कहा। वो बोला बेटा मैं तुम्हारे द्वारा बड़ा काम करना चाहता हूँ इसलिए अपना देश छोड़ दो। हालेलुया। और मैं इसको देखते समय एक और वचन मेरे को याद आ रहा है, वो इब्रानियों 11 अध्याय वहां उसका 8वां पद, इब्रानियों 11 का 8। उस समय उसकी दशा क्या थी, 11 का 8, उसमें विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मांगकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज में लेने वाला था और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। भैया वो बोला आओ चलो। तो मान लीजिए अगर आप बोलेंगे चलिए तो मैं पूछूंगी कहा है ना, पूछेंगे ना कहाँ जाना है। अगर बोलेंगे मालूम नहीं है तो बोलेंगे ये बहुत बेवकूफ है, पागल तो नहीं ना हुए हैं आप। जब कभी बस पकड़ रहे हैं या कैब पकड़ रहे हैं बड़े आप आपका करंट लोकेशन बताएगा, डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे, कोनो ओला वाला नहीं आएगा। ओला वाला आएगा जी, ऊबर वाला आएगा, ट्रेन वाला में ट्रेन में किसी भी ट्रेन में चढ़ के बैठ जाइएगा नहीं। लेकिन मैं देखते ही यहाँ अब्राहम ऐसे ही है, कहाँ जाना मालूम नहीं। तो मैं उस समय बोलती अब्राहम बेकूफ तो नहीं ना है तो बोला कि निकलो कहाँ जाना मैं दिखाऊंगा। बोला ना यहाँ पे निकल, जिस उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बोला था कि जगह कहाँ पहुंचने का, डेस्टिनेशन बताया, पहुंचने का स्थान बताया, नहीं बताया लेकिन निकल गया। कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं। अगर आप बस में चढ़ के बैठ जाएंगे अगर कंडक्टर पूछते कहाँ जाना मालूम नहीं तो उधर जाओ तो उतार देगा। लेकिन यहाँ अब्राहम का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया, परमेश्वर कर दिया है इसलिए वो बोलेगा चलो निकल के चलते बनो। हालेलुया। इसलिए आप अगर यीशु को मानकर उसको चल उसके पीछे चल रहे हैं आपको रोड देखने के लिए खड़ा नहीं करेगा भाई। हालेलुया। जरूर उसको पहुंचने का एक स्थान है, पदवी है, काम है, आशीष है। हालेलुया। मैं तो इसको पढ़ के बहुत ही साहस पाई, प्रभु बुलाएगा मुझे किसी भी बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम लोग कल क्या करेंगे, कल मेरे बेटा के लिए क्या करेंगे, ये मेरा बेटा का जिंदगी क्या बनेगा, हम बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन वो बोलता है तुम का चिंता करोगे,
पापा का नाम रूमाई, अभी दो दिन के पकड़े मेरे को किसी ने व्हाट्सएप में या किसी ने भेजा, उसमें परमेश्वर का था, मैं अपना धर्म में दाहिने हाथ से तुझे पकड़ा हूं। यशे 41 का शेर दे रहा है, 12 की 12 10 नहीं है, दाहिने हाथ से तुझे पकड़ा हूं। परमेश्वर पर मालूम है तुमको मेरा दाहिना हाथ कैसा हाथ है, दाहिना हाथ कैसा हाथ है तुमको मालूम है? मेरा हाथ कभी छोड़ने वाला हाथ नहीं है, इतना कमजोर हाथ भी नहीं है। और तुमको गिरा, तुमको मरने के लिए गिरने नहीं दूंगा। और उसे ऐसा मत सोच इतना कमजोर है, मेरा हाथ अगर तुमको पकड़ा हो तुम कितना साहस पाना है, बाप पकड़ा है मेरे को कोई चीज की चिंता नहीं है। हालेलुया। और मेरा दिमाग का सारा टेंशन को रिलीज किया, हालेलुया, क्योंकि उसका हाथ मुझे पकड़ा है, मनुष्य का हाथ नहीं। मान लीजिए ये बाबू मेरा हाथ पकड़ेगा, आंटी आप ऐसा ऐसा गुड़िया है, आपका हाथ पकड़ के मैं नहीं चलू, छोड़ो ना, चले जा सकता। ये गुड़िया कैसे चलती है, ये इनको बचाने के लिए हर समय कैसा पकड़े रहेंगे ये सोचेगी, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। वो बोला मेरा हाथ विश्वसनीय हाथ, बोला मैं रोके भी मेरा हाथ विश्वसनीय हाथ। उसको मेरा हाथ पकड़ने के बाद बाइबल में एक वचन है, मेरा हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। मुझे ये बहुत साहस दिया मिला, क्योंकि मुझे चेन्नई से यहाँ आना था, ट्रेन पकड़ के आना था। मैं बोली हे परमेश्वर मेरा पैर तो इतना ठीक नहीं है, तो कैसा करेंगे सोच के थोड़ा चिंता की, क्योंकि घुटना में दर्द हो गया तो इसके वजह से सीढ़ी चढ़ना उतरना सब में थोड़ा सा सतर्क होकर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उतरना भी थोड़ा आसान है, चढ़ना मुश्किल पड़ता है। तो मैं सोची कैसा ट्रेन में चढ़ू, नीचे की सीढ़ी भले प्लेटफॉर्म के सगड़े रहेगा लेकिन दूसरी सीढ़ी के लिए एक फुट ऊंचाई होगा। प्रभु मेरा पैर पकड़ा, कुत्ता बोला मेरा दाहिना हाथ तुमको पकड़ा है। हालेलुया। मुझे बहुत साहस मिला, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग कई बार सोचते हैं मैं गिर जाऊंगी मेरा भविष्य क्या होगा। भैया आपको 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 पकड़ के आप अपने को पकड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा भैया तुम अपना देश छोड़ के, मैं तो निकली थी 77 में यहाँ आई बिहार में आई, बेंगलुरु नहीं बिहार थे, लेकिन ये की चीज मालूम है परमेश्वर बुलाया। हालेलुया। किसी मनुष्य के ऊपर भरोसे रख के नहीं, अगर सही करो मैं बिहार आते समय एक छोटा सा प्लास्टिक टोकरी उन दिनों में था, सब्जी खरीदने के लिए प्लास्टिक में होगा ना, इसी में था प्लास्टिक को गिनते बिना वहां नहीं प्लास्टिक का डिजाइन वाले, और ऐसी खुला उसमें मैं अपनी बाइबल रखी, एक सेट कपड़ा रख के ही आई। आज आइएगा मेरा घर आके देख लीजिएगा परमेश्वर परमेश्वर कैसा रखा है। हालेलुया। सबको बिहार आने के लिए निमंत्रण मिला, माफ कीजिए मैं टिकट डाल के बुला नहीं, छुट्टी में जाएंगे तो जाएंगे, आइएगा छुट्टी में जब किसी को मना है, जब परमेश्वर बुलाता है आधा रास्ता में वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हाथ पकड़ा है, और इसमें केवल देश छोड़ने के लिए नहीं कहा, और उसके बाद अपने कुटुंबियों फैमिली पढ़े तो लिखा है गेट आउट ऑफ योर कंट्री, दूसरा क्या है अपना परिवार। मनुष्य बड़े इधर से उधर जाएगा फिर क्या करेगा मालूम है, ढूंढेगा मेरा परिवार का आदमी है। परिवार बोले नहीं, इसमें मैं जाति भी जोड़ लूंगी, मेरा जात का आदमी है। बिहार में देखिए ना, आएंगे बक्सर से आके मेरे साथ रहेंगे, अगर कोई मैं मेरा क्या बक्सर है, आप बक्सर के हैं, तुरंत सेट जाएंगे।
और यहां से गए वे लोग। आप कहा गए हैं? चेन्नई के हैं? हाँ मैं भी चेन्नई के, चेन्नई राहुल चेन्नई में नहीं होंगे, वो तेलंगाना और इसके बांद्रा और इसके बीच में और बॉर्डर में, बॉर्डर में हम भी उसी जगह में सकल है। क्या है? फैमिली, जान। परमेश्वर अब्राहम को अगले देश छोड़ने के लिए बोला, उसके बाद क्या छोड़ने के लिए बोला? अपना परिवार खानदान छोड़ने के लिए बोला। हालेलुया। हम लोग दूसरे खानदान के लोगों को अपना मान के चलते ही नहीं है। अब चेक की करके देखिए ना भाई, थोड़ा चेक कीजिए, थोड़ा चेक कीजिए, कितना कैसा आदमी है, क्या करने वाला है, उसको चेक करना है। मैं अपना परिवार को कितना छोड़ा हूं? मैं सेवकाई में निकलने के पहले के टाइम में कुछ साल तक परमेश्वर मुझे इस वचन को बार बार दिया, पढ़िएगा ना, आप सोचेंगे कैसा परमेश्वर है। वचन संहिता 45:10, हे राजकुमारी सुन, अब कान लगाकर ध्यान दे, अरे अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। घर को भूलना अगर हेमंत को बिहार ले जाओ, अभी आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर मैं ले जाऊ आधे दूर में बोलने लगेगा, मम्मी की याद आती है, तो मैं बोलूंगी ठीक है बोतल करके दे रही हूँ, मम्मी के गोद में बैठ के घूम कर चलता है। हम लोग कई बार अपने परिवार के बंधन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं बिहार में हूँ, मेरा कुंभ के लोग कोई भी मेरे साथ नहीं, हालेलुया, मेरे खानदान के कोई मेरे साथ नहीं है, हालेलुया, मेरे साथ कोई भी तमिल वाले भी नहीं है, हालेलुया, मेरे साथ रहने वाले कोई भी मेरे खून का संबंध कोई नहीं, मेरा मातृभाषा का मातृभाषा बोलने वाले कोई भी साथ है? नहीं। कैसा जीवन, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले, ऊपर वाले हैं, वो छोड़ देगा, वो तो बोल दिया मैं तुमको पकड़ा, चिंता मत करो, ठीक है वो पकड़ा है। बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं तो शादी भी नहीं की, सिंगल महिला हूँ, जिंदगी सिंगल महिला होगी, अनजान देश में अपने आदमी नहीं है, अपने जात का नहीं है, अपना स्टेट का नहीं है, अपना भाई बंधु नहीं है। हाँ जी आए परमेश्वर करके ये जन अपना आदमी है। हालेलुया, निकल के आने के लिए परमेश्वर करता है। मुझे बार बार परमेश्वर ने कहा अपना अपने परिवार के लोग, अपने बाप के घर को भूल जाओ। बाप के घर को, लड़की को भूलना बहुत ही मुश्किल होगा, पता नहीं सूर्या दीदी कैसे है मालूम नहीं, बाप के घर को भूलना लड़की को बहुत ही दिक्कत होता है। लड़की लोग को बोलिएगा ना, अभी मैं के जाना है तो कल जाना हो, दो दिन को पकड़ ही मोटरी गड्डी बांध ली, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोला तुम अपने बाप का घर भूल जाओ, निकलो अब्राहम, हालेलुया, देखते हैं उसे 12:4 में लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, हालेलुया। मैं बताऊं पहले परमेश्वर अगर आपको मूल पिता बनाना हो, पहला शर्त यह है आज्ञाकारिता, हालेलुया,
आप मुझे तो परमेश्वर बोला जितना छोड़ रही है जया डरो मत। उस समय तमिल में एक गीत गाते थे, क्या गीत गाते थे, परमेश्वर मुझे बार बार दिया, बार बार परमेश्वर दिया, तुम जो भी छोड़ रही हो उसमें कुछ भी हानि नहीं। हालेलुया, परमेश्वर मुझे हानि में नहीं रखा, घसा में नहीं रखा। जो भी चीज को छोड़ेंगे यीशु के नाम के निमित्त, यीशु बुला बोलने के चलते, बुलाने के चलते छोड़ेंगे, आप कुछ भी चीज को खोएंगे नहीं। हालेलुया, परमेश्वर मुझे ले गया, लेकिन मुझे ऐसा परिवार वालों को दिया, प्रेम करने वालों को दिया, बेहतर माहौल को दिया, मुझे बेहतर रूप से बनाकर भी खड़ा किया। हालेलुया, इसलिए मैं इतना जानती हूँ यीशु के लिए कुछ भी छोड़े उससे मेरे लिए कुछ हानि नहीं है। हालेलुया, मुझे ये अच्छा लगा, वो तुरंत बात मान कर लिया। परमेश्वर मुझे ये सिखाया, पहले आज्ञाकारी बन जा, लेकिन मनुष्य को ना बात मानो बोलेंगे ना उल्टा ही करेगा। अच्छा मनुष्य ये मत करो ना, ऐसी का बेटो ना, और बोल मत बात करो ना, करते रहेंगे। हम लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया, इसलिए हम आशीष को कई बार खो देते हैं। हमको मालूम भी नहीं है खो गया, लेकिन जिंदगी चल रही है, ऐसी ही चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलते हैं, कोने बात पे फिकर नहीं, जैसे भी रहे, अरे चल रहा है, चल रहा है, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। और इसीलिए मूल पिता के स्थान में भी नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ अब्राहम जो है परमेश्वर की बात मानकर वो ऐसे ही गया। इसलिए मैं आपको एक चीज बताने के लिए चाहती हूँ, परमेश्वर आपको ऊंचा करने का विचार करता है, और वो जो भी करने के लिए कहेगा, छोड़ने के लिए कहेगा, क्या करें, बात मान जाइए। जरूर मैं घर छोड़ी 25 साल के बाद, जब उसको भी छोड़ने के लिए रखा, उसमें भी बात मान, परमेश्वर जैसे भी रखे उसके पीछे चलेंगे। मैं एक चीज जानती हूँ, एक चीज हमारे घर से निकलने के पहले एक रात फास्टिंग करके प्रार्थना की, उस समय परमेश्वर मुझे एक चीज दिखाया। हम लोग पूरा मेरी माँ मेरे बहन लोग मिलकर प्रार्थना किए थे, पापा तो कहीं चले गए थे। उस समय परमेश्वर ये दिखाया, जैसा एक लड़की अपने पति के हाथ में हाथ धरती है, रख के पति जहां जाएगा क्या करेगी, जाएगी सोमो। और आपको तो जरूर शादी का रसम सुनी सब सुने होंगे, मैं अपने को रामा व्यक्ति के साथ जीने के लिए सोचता हूँ, जब तक जिंदा रहे तब तक क्या नहीं करेंगे, दूसरे का चेहरा देखे बिना, तब आप उसको बैठ के थोड़ा ध्यान दीजिए ना। अब यीशु के हाथ में अपना हाथ रख के किसको नहीं देखना है, ये आदमी नहीं देखना है ना, किसको नहीं देखना है, सूर्य को नहीं देखना है, किसको चेहरा देखना है, यीशु का ही चेहरा देखना है, उसकी आंखों में ही देखते रहना है, क्योंकि एक महिला को अपना पति ही विशेष है, उसको छोड़ के वो अपनी आंखों को दूसरे को ऊपर फेर देगी, वो बेचार हो जाएगा। अगर परमेश्वर का हाथ में भी ऐसे ही सौंप के, हाँ मैं तेरा चेहरा ही देखूंगी और किसी का नहीं देखूंगी बोलिएगा, तो वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, मुझे मालूम नहीं है
आप गलत मत मानिएगा, आप यीशु के साथ ऐसा संबंध रख के देखिए ना कितना मजा है। मैं ये यशाया 41:10 को पढ़ने के लिए चाहूंगी। एक दिन परमेश्वर मुझे किसको दिखाया उसको मैं बता दे रही हूँ। क्यों बता रही हूँ मालूम है? ये मजा आया पता नहीं। मैं जरूर परमेश्वर ने बोला यशाया 41:10 पढ़ तो अंग्रेजी बाइबल फटाफट खोली, नहीं हिंदी में पढ़ो ठीक है, हिंदी में खोली। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बस इतना के बाद और दो शब्द है इधर उधर मत, तब परमेश्वर वहां ब्रेक लगा दिया। जया इधर और उधर मत, तब इंग्लिश में ऐसा नहीं है, तमिल में भी ऐसे नहीं है। इंग अंग पाता दर इधर उधर मत, तब मेरी नजर क्या होती है? मैं इधर भी देखती हूँ, फिर किधर भी देखती हूँ, उधर भी देखती हूँ। मैं एक सप्ताह तक ये तीनों शब्द को बोलते बोलते रही। हालेलुया, आप घर में जाके बैठ के बोलते देखिए ना, जया इधर और उधर मत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या चाहिए ऊपर देखो ना, मैं बोल बोल के इधर मुझे बहुत मजा आया। जया इधर उधर मतलब मुझे बहुत मजा आया बोलने के लिए। अपने में ही बोली, दूसरा किसी को नहीं बोली, अपने को ही बोल बोल के मजा लेने की। इधर उधर हिंदी बहुत मजेदार लिखा है अनुवाद में, बोलते बोलते रहे। हम लोग की नजर जो है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पूर्ण रूप से इस प्रकार समर्पित होनी चाहिए। अब्राहम इसीलिए सब मोटिवेटिव बंदा निकला, निकल के तो आया, आके कुछ दूर आया, फिर क्या हो गया? हारान में बस गए। हालेलुया, हालेलुया। पानी पीना है, अभी छुट्टी चाहिए ना, एक घंटा में पहुंच गए ना, इसलिए विराना नहीं बन गया है। अच्छा हम लोग ये देखते हैं सारी बातों को समेट के परमेश्वर के आज्ञा मान के निकला, लेकिन ये केवल नहीं गया उसके साथ, और यहाँ एक पूंछ पकड़ने के लिए, एक एक हाथ पकड़ने के लिए, और उसका भतीजा एक ये वो सब लूले लगड़े सब भी उनके साथ निकले। कुछ दूर आने के बाद जाके वे लोग क्या हो गए हैं? आराम में रह गए। तो परमेश्वर उनको फिर क्या करना पड़ा मालूम है? उनको बाप का लेना पड़ा। बाप की मृत्यु हुई, मैं सोची फिर दोबारा परमेश्वर इसको बोला, तब वे लोग निकला निकला। वहां लिखा है कानान देश जाने के लिए ही निकले थे, रास्ता में रुके। मसीह जीवन में कभी कभी स्टॉपेज लगाता है, बस पड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, बाप रे बाप थक गए हैं, इतना दूर आ गए। भैया ऐसा थकने के लिए नहीं रहना है। मैं रास्ता में थक गया था, मम्मी को बैठा दिया, नहीं बैठा। अच्छा जब तक जहां तक जाना नहीं नहीं पहुंचे हैं जाने के स्थान, तब तक हम लोग को रुकना नहीं। हालेलुया, ठीक। सबको लेके चलते रहा और मैं ये देखी इस प्रकार आज्ञाकारी होने वाला व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का जबरदस्त पकड़ भी मैं देखी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब अकाल पड़ा देश में, ये तो घूमते घूमते मिस्र देश चला गया, मिस्र देश में उसका सब चीज अच्छा रहा, दिखाई दिया, वहां लिखा 12 अध्याय में ही है। और राजा इसको बहुत ही ये मैंने भेड़ बकरी फलाना ठिकाना सब दे रहा, दास दासियां सब ऊंट सब दे रहा है, अनावश्यक माल भी उसी में अंदर रह गया। हाजिरा इसे आने वाले माल में से एक है, दास दासियों का भी मिला ना, उसी में आई हुई माल है। मैं तो माल समझती हूँ, कारण उसी के चलते ही अनावश्यक बातें
इज़राइल का हिस्ट्री में घुसा, संसार का हिस्ट्री में, इतिहास में भी हजीरा के चलते ही अनावश्यक वंश कुल उत्पन्न हुआ। देखते हैं, हम लोग कभी कभी सोचते हैं सही जगह पर जा रहा है, लेकिन मैं उस जगह में परमेश्वर का पकड़ देती हूँ। परमेश्वर क्या बोल, तो मेरे आज्ञा मन को चलते समय मैं अपना जबरदस्त पकड़ को रखा हूं। वो तो पहले बोल दिया, तुमको जो कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर से जाके फिर प्रार्थना उतना नहीं किया, आशीष दीजिए ये मांगा नहीं, लेकिन इसकी पत्नी को लेके चल दिए। कारण उस जगह में थोड़ा सा ये झूठ भी बोला है कि मेरी बहन बोल दिया, अंगलिका है, उसको अपने से डर है। परमेश्वर ही लेके आया, लेकिन बीच में क्या घुस गया, डर घुस गया। हम लोग को भी ऐसा बीच बीच में कभी कभी डर घुस जाता है, अरे मसीह बोलने से शायद चेंज छोटा कर देगा। तुरंत हम क्या करने लगते हैं, पुराना जमाना का जाति पाति सब उसी में जोड़ के लिख देते हैं, ये ऐसा किया है। तो इसीलिए क्या हो गया, सारा को ही लेके चल दिया। मुझे उस जगह में थोड़ा सा बहुत ही गुस्सा भी आया, कैसा आदमी है जी, पत्नी को छोड़ के छोड़ दिया, बाहर भी ले जा रहा है, ये हम छोड़ दीजिएगा आप लोग अपने पत्नी, अपनी पत्नी को, कोई आपके पत्नी को पकड़ कर ले जाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ के चुपचाप से रहिएगा। मुझे तो उस जगह में थोड़ा सा कभी कभी हंसी आती, एक बार नहीं दो दो बार हुआ है। ऐसा पति है तो मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ मैं अब्राहम की पत्नी नहीं रही, नहीं तो मैं जरूर बोलती कैसा मेरा पति है, पर मेरे को छोड़ के वो चुपचाप से रह रहा है, वो आदमी मेरे को कहीं पकड़ कर लेके जाता है, ठीक पकड़ के ले लिया, लेकिन ऊपर वाला चढ़ा जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर एक ऐसा जबरदस्त अपना अधिकार रखा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग लेकिन कई बार इस वचन को इस्तेमाल करते हैं, जकरिया का दूसरा अध्याय का वचन क्या है, जो तुझे छूता है वो उसकी आम की पुतली को क्या करता है, छूता बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने आप हो रहा है। हालेलुया। आप आज्ञा मानिए, ऊपर वाला क्या करेगा, जरूर आपके लिए पकड़ के सबको नचवाएगा। जब तक सारा वापस नहीं आई तब तक उस परिवार में चैन नहीं है, तो परमेश्वर इसका नाम को महान करने के लिए एक ऐसा अवसर, ऐसा एक घटना होने दिया, तो उसी से हुआ। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में आप परमेश्वर का आज्ञा मानकर चलने के टाइम में भी आपके जीवन में खतरा आ सकता है। हालेलुया। ये नहीं कि खतरा नहीं आएगा, खतरा आएगा, लेकिन उसी में परमेश्वर का पकड़। हालेलुया। ताना में जाके बोल नहीं सकता क्योंकि राजा पकड़ के ले लिया है। अगर कोई हमारा घर के आदमी को भी पकड़ लिया था तुरंत फोन करके ताना को फोन कर देंगे पुलिस वालों, लेकिन ये क्यों, कौन सा ताना वालों को बोले, कोनो ताना वाले से बोल नहीं सकते क्योंकि राजा का राजमहल की बात है। हम समझ लेंगे, हम एक चीज याद रखें, हम उसके लोग हैं। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर कई बातों में ले गया, इसके जीवन से कुछ लोग को अलग कर रहा है, उसके भतीजा को परमेश्वर अलग कर दिया, तब अकेले पड़ गया। सोचा होगा कि कम से कम मेरा भतीजा साथ रहेगा, परमेश्वर क्या कर दिया, उसको भी अलग कर दिया। भैया मूल पिता को परमेश्वर अकेले ले चलता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा अकेलापन को महसूस करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपको मूल पिता बनाता है। हालेलुया। कई बार जिंदगी में होता है ऐसा लगेगा कोई भी साथ देने के लिए नहीं रहेगा, जो भी साथ रह रहा है चचरा चचरा चचरा
बच्चे चले हैं क्वाइन 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 एकदम तप्पड़ इनको वो दे रहा वो उसको तप्पड़ दे रहा है, हालत खराब है। कुछ देर के बाद उसको भेजना ही पड़ गया, तुम जाना चले जाओ बहू। तो वो तुरंत खुशी के मारे एकदम अच्छे जगह लेके भाग गया। कई बार जीवन में या परिवार में भी हो सकता है, आप यीशु को मानने के बाद हो सकता है कुछ बोलते रहेंगे, फिर बोलेंगे कि तुम हट जाओ। तो प्रार्थना करके पैर रखिए, परमेश्वर आपको अकेले छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मैं तो ये बोलूंगी, परमेश्वर आपको मूल पिता बना रहा है, इसलिए एक एकांत रास्ता, अकेले होके जाने का रास्ता में परमेश्वर आपको रखता है, आप उसको नहीं भूले। हालेलुया। अज्ञा लेकिन उसके जीवन में लालच किसी भी प्रकार की बात नहीं आई। जरूर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कारण क्या है, लूत के जीवन में कुछ तकलीफ हुई। अच्छा सदोम गमोरा में जरूर रह गया, वो अच्छा जगह में तो था, लेकिन बीच में क्या हो गया, वो लूट जहां लूट था उस जगह लूट पाट में सब चला गया। तो अब्राम को जाना पड़ा, अब्राम को जाना हो भैया ये अकेले ना था। देखिए ना, मैं तो देखती हूँ अब्राम को एक युद्ध कौशल पुरुष के रूप में, क्योंकि वो अपने पास 300 कितने आदमी रखा था, 300 पढ़िएगा तब अच्छा पड़ेगा। आप लोग सोचेंगे कहाँ से बोल रहे हैं, पढ़िएगा उत्पत्ति 14 अध्याय। आप लोग बोलिए अच्छा से प्रचार करने के लिए, थोड़ा सा लेके बोलती ना तो फटाफट बोल के छोटा छोटा बोल के आगे बढ़ जाती, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पढ़िएगा तो 14:14, ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और उसको फिर चढ़ाई करके लेके आगे गया। मैं सोचती हूँ लगा होगा इसको अकेले हूँ, लेकिन अकेला नहीं। हालेलुया। उसके साथ भी युद्ध करने के लिए एक झुंड खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको बड़ी जाति बनाऊंगा, तो इसके साथ रहने वाले सब शूरवीर ऐसा लड़ने वाले जो आसपास इधर उधर कुछ होगा सब एकदम लड़ के जीतने वाले झुंड। हालेलुया। हारने वाला झुंड को परमेश्वर नहीं दिया अब्राम को दिया जीतने वाला झुंड। भैया परमेश्वर आपको छूचे नहीं देखेगा। लिखा है उसके गर्भ में जन्म हुए और युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र सब धारण करके, इसका मतलब सारी चीजों में फिट फाट हो गए। आप थोड़ा सोचिए 318 आदमी एक जगह में रहेंगे, विगत 100 आदमी भी नहीं बैठ पाएंगे। वो 318 आदमी के साथ जी रहा, उसका परिवार रहा होगा, उनका बाल बच्चा रहा होगा, एक बहुत ही बड़ा, मैं तो सोचती हूँ कॉलोनी टाइप का ही, उन्हें एक जगह में भी रहने वाला नहीं है। एकदम घूमते घूमते एकदम क्या बोलेंगे, खाना बदोश जैसा, आज यहाँ कल वहां जाने वाले, तो देखिए पूरे जगह में कैसा जाता होगा। ऊपर से आजकल का कैमरा से देखेंगे लगेगा तो पूरे क्या तो जा रहा, वो बड़ी सेना जा रही। हम लोग तो कैसेट देख चुके हैं, इसलिए मुझे उस कैसेट में अपने लोगों को कैसा ले जाता है युद्ध करता देखे, वो रात रात में ले जाकर रात रात में सब को लूट पाट सब चीज को लेके वापस आ गया। हालेलुया। लेकिन किसी राजा नहीं बोला, किसी एक छोटा सा आदमी आके बोला, लेकिन लूट के लिए जाके लड़के आने के बाद अगर मैं होती है, मैं आपका सारा चीज ला दी है ना। कभी कभी हम किसी के लिए छोटा सा चीज लाएंगे लेकिन उसके लिए बहुत अगराएंगे, लेकिन ये एक एक सूत तक लेके आ गया, बोल रहा तुम्हारा चीज कुछ नहीं चाहिए। जूती का बंधन, इसका मतलब क्या है, शू लेस तक तुम्हारा वाला मेरे को नहीं चाहिए।
मैं तो सोचती मेरा आपका जूता में चिपका हुआ धूल तक मेरे को नहीं चाहिए, परमेश्वर मेरा सब हालेलुया। कुल पिता को सारे संसार की वस्तुओं से अलग होना भी जरूरी है हालेलुया। तुम्हारे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हालेलुया। पर मेरे साथ जो चला उनके लिए खाने पीने का जो है वो जो मिला वो काफी है, उन लोग का चीज होने दीजिए, लेकिन मेरे लिए कई बार जो मुख्य स्थान लेते हैं उनका कई चीजों को त्यागना ही पड़ता है, कई चीजों को त्यागना पड़ता है, कई चीजों को छोड़ना पड़ता है। हम लोग कभी भी सोचते हैं हम लोग बहुत त्याग रहे, त्याग नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान दे रखा है हालेलुया। आपका परिवार में अगर आपको ऊंचा स्थान में आना है कुछ भी मत पकड़िए, छोड़ दीजिए हालेलुया। आपको कुछ भी गिफ्ट इनाम मिल रहा है उसका भी मेरे को आपका कुछ भी सम्मान या क्या बोलेंगे कुछ उपकार तोहफा मेरे को नहीं, ऐसा उसी से भी थोड़ा सा भी तो वो बोल भी रहा है हमको वो सब चीज नहीं चाहिए। हम संसार के भौतिक चीजों से भी अलग आना पड़ेगा। कभी कभी हमको लगेगा मैं कितना मदद किया, एक वक्त था उनको मैं कितना सेवा की हूँ, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा भी मेरे को कुछ भी। जया तुम ऐसा सोचे कि तुम अब्राहम के लाइन पर नहीं हो। मैं सोची थी एक वक्त था फलाना व्यक्ति को ऐसा मैंने सेवा की, उदाहरण के रूप में बोल रही हूँ, जब उसमें रहते समय मेरा घर का एक्सीडेंट हुआ, उसी में एक भाई का पैर काटना पड़ा, डेढ़ महीना रांची का आरएमसीएच हॉस्पिटल में रहकर उनका बिस्तर के बगल में रहकर डेढ़ महीना दिन रात उनका देख रेख करना पड़ा। ठीक, मुंह खिलाना, पेशाब निकालना, लेटरिन करवाना, कपड़ा बदलना, सब चीज किए। तो आज सोचे कितना आपको उनको सेवा किए, वो आदमी मेरे को थोड़ा सा भी क्या नहीं करता है, याद नहीं करता। जया की मनुष्य का स्वभाव क्या करता है, मैंने एक वक्त की, लेकिन अब वो आदमी मेरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब्राहम कैसा, तुम्हारे जूती का बंधन शू लेस तक मेरे को नहीं चाहिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुलाया है, किसके लिए बुलाया है, एक अकेले रास्ते के लिए बुलाया है, कुल पिता बनाने का। तो इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम लोग इकट्ठे होंगे। और है इब्राहिम के जीवन से कुछ और मुख्य बात है जिसको मैं बोल के ही समाप्त कर दी। हालेलुया। हम पहले कितना आज्ञाकारी, क्या अपना देश परिवार खानदान सब छोड़ने के लिए तैयार, समेट के निकलने के लिए तैयार होंगे? अब्राहम तो तैयार हुआ, सब छोड़ के निकल गया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही निकल गया। परमेश्वर का जबरदस्त अधिकार भी उसके ऊपर था। हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, Oh,
अपना परिवार छोड़ के अपने जन्मभूमि छोड़ कर जन्मभूमि छोड़ना आसान नहीं है। दूसरा संस्कृति के लोगों के बीच में बोली भाषा व्यवहार के लोगों के बीच में जीना आसान नहीं है। शायद परमेश्वर बुलाता होगा मैं तुम्हें तुमको लेके एक अलग जगह पर तुमको खड़ा करना चाहता हूँ। तैयार है? हो सकता है आपको अपने माँ को छोड़ना मुश्किल है, माँ को छोड़ना मुश्किल है, बाप का घर छोड़ना मुश्किल है, लेकिन यदि परमेश्वर बुलाएगा उस मार्ग में चलने के लिए तैयार है। मैं इतना चाहती हूँ छोड़ने से कुछ भी हम खोएंगे, छोड़ने से कुछ भी खोएंगे, मैं नहीं खोई अपने रूप को जरूर छोड़े। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसे प्रेम करने का बच्चों को दिया, ऐसा प्रेम का वातावरण माहौल परमिशन दिया। बड़े कई बार कठिन लगता अपने लोग नहीं है, फिर भी परमिशन ने ऐसे माहौल को दिया जहाँ प्रेम से रह माँ के पास माँ बाप को छोड़कर जब परमेश्वर बुला रहा करके चले जाएंगे मेरा जीवन कैसा रहेगा? भैया मैं बोल सकती हूँ परमेश्वर अकेले ही एकांत में आपका हाथ छोड़ के भागेगा तो नहीं छोड़ेगा क्या? परमेश्वर आपको बुलाएगा तो जाएंगे? बेहतर माहौल में मुझे रखा है, भले चारों ओर सब चीज वीरान ही वीरान दिखता है, परमेश्वर मुझे सही जगह पर रखा है। इसके पीछे इधर उधर ताकि बिना चलने के लिए तैयार है। हम अपना हाथ को उसके हाथ में दे दें, अपने हाथ को उसके हाथ में दे दें। मैं बोल सकती हूँ सेवकाई में जाकर 46 वर्ष पूरा हो गए हैं, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दी, यीशु कभी मुझे नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है हिम्मत मत के कदम उठाए, वो छोड़ेगा ही नहीं ना। हो सकता परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे पीछे चलो, मेरे चलो अर्पण करें। क्या कोई है अपने को अर्पण करने के लिए चाहते हैं? ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं अपना स्नान या प्रार्थना कर, सब कोई अपने आंख बंद करके रखते हैं जिसको मन अपने को अर्पण करने के लिए यीशु के पीछे है वे खड़े हो सकते। परमेश्वर आपको देखता है, थैंक यू। भले जीवन कठिन गुजरता है लेकिन उसका आनंद का बराबर संसार में और कोई आनंद नहीं है। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद देते सोपते हैं इनके ऊपर, जैसा अपराध के ऊपर तेरे कब्जा रहा, तेरे बलवंत हाथ का पकड़ रहा, उस प्रकार का पकड़ कि जहाँ कहीं भी रहे वहाँ होने प्रकट होने पाए, तेरे हाथों में इनको
यीशु मसीह के नाम से। आमीन।